सर, सबसे पहले बात करेंगे टीटीपी की। अटैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और सुसाइड बॉम्बिंग और ये सब कुछ एक बार फिर पाकिस्तान फेस कर रहा है। आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? क्योंकि अफगानिस्तान ने तो साफ पाकिस्तान को जवाब दे दिया है कि जी आप जाने और टीटीपी जाने। देखिए, मैं इसको ब्लेम तो करूंगा पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले अदारों को करूंगा, अल्टीमेटली जिन्होंने आज तक कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लिया है। इतनी बड़ी मेहनत की थी जब रद्दुल फसाद एक कंपेन चलाई गई थी और पीस को अचीव किया गया था, उसके बाद इन्हीं लोगों को मेहमान बना के दोबारा लाने की कोशिश की गई। हालांकि समझा इनको अभी तक ये समझ नहीं आ रही, जो अमेरिकन वहां पे $85 बिलियन का असला जो छोड़ गए हैं वो आप ही पे इस्तेमाल होगा, वो कहाँ जाएगा? देखिए, इस वक्त आपको पता नहीं है शायद कि यहाँ पे पिछले हफ्ते वेस्टर्न मीडिया में कई अखबारों में ये खबर आई थी कि वो $85 बिलियन का जो असला है इस वक्त वो ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा है, और जो नहीं बिक रहा वो आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा, और वो हो रहा है। मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा कि एक हफ्ते के अंदर ये दूसरा अटैक हुआ है और किया जा रहा है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पे। वहां पे जो एक असिस्टेंट SHO है, वेरी हैंडसम लुकिंग जेंटलमैन अदनान अफरीदी, जो है उसको शहीद किया गया है, और ये दूसरा अटैक है। पहले अटैक के अंदर 3 पुलिस वाले बाड़ा मार्केट बाड़ा बाजार के पास जो थे वो थे, और एक ये अभी जो है 5 पुलिस वाले जो है इसमें वो शहीद हुए हैं। लेकिन ये अफसोसनाक बात है कि कोई इस पर तवज्जो नहीं दे रहा। एक एक ना सिर्फ ये KPK में, बलूचिस्तान के अंदर भी हालात इसी तरह के, और वो TTP वालों को जो वो क्योंकि वो समझते हैं कि वो पाकिस्तान वीक है, आगे से रिटेलिएट नहीं करेगा, इनको रिटेलिएट करना चाहिए, इनके इनको बिल्कुल रोकना चाहिए। लेकिन अब क्या किया जाए, इसके ऊपर सॉफ्ट कॉर्नर है, लोगों के जाके चाय पीते हैं, काबल जाके चीजें करते हैं, सिग्नल दुनिया को गलत देते हैं, और उसका रिजल्ट सामने नजर आ रहा है। अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ, पिछले साल एक साल के अंदर तकरीबन 300 अटैक हुए थे। ये 300 अटैक एक साल के अंदर, एक बॉर्डर क्रॉस द बॉर्डर होना बिल्कुल इसी तरह के आप हालते जंग में उनके साथ, लेकिन नोबडी थिंक बॉर्डर पे ये क्या करेंगे सर। टीटीपी की तरफ से भी जो जिस किस्म की हरकतें हो रही हैं, टैक्स पर टैक्स, और दूसरी तरफ इंडिया के राजनाथ सिंह साहब जो हैं उनका भी ये कहना है कि जब दिल करेगा भारत LOC क्रॉस कर जाएगा। कश्मीर के हवाले से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, आज है ना वहां पे उन्होंने कारगिल पे विजय दिवस उनका आज है, उसकी कारगिल की 1999 की वो मना रहे हैं वहां पे 26 जुलाई, और उस पर राजनाथ साहब ने स्टेटमेंट दी है। बिल्कुल उन्होंने कहा है कि भी पाकिस्तान के अंदर घुस के ऑपरेशन करेंगे, और उसके बाद ये, और पहले भी वो कई स्टेटमेंट इस तरह दे चुके हैं, देखें कि हाउ दे रिएक्ट पाकिस्तान वाली साइड से। लेकिन मेरे ख्याल में तो अगर देखा जाए तो उन्होंने तो शायद अपने उस एनिवर्सरी में जो उन्होंने उसकी कोई इवेंट था उस पर उन्होंने कुछ ना कुछ तो लोगों के सामने कहना था, लेकिन वरना वरना भी दौर अब जंगों का नहीं है। मेरे ख्याल में तो इस वक्त वी आर गोइंग थ्रू द जियो इकोनॉमिक्स पीरियड, लोग अब इकोनॉमीज करेंसीज के जरिए एक दूसरे के साथ जंगें कर रहे हैं, और आप उस जंग में उसमें भी नीचे हैं। आप कभी फैटफ की मिन्नतें करते हैं, और कभी IMF की मिन्नतें कर रहे हैं, जियो इकोनॉमिक्स में भी आप फेल हैं ओरिजिनली, कभी फिर आप कह देते हैं कि वी आर विक्टिम ऑफ जियो इकोनॉमिक्स फ्रॉम IMF इन चाइना। और खुदा के लिए अपना भी कुछ सोचो यार, तुमने खाना पकाया, कोई उगाओ चीज वहां पे, कोई बनाओ चीज वहां पे, सिवाय फ्रॉड के और कुछ भी नहीं बना रहे हो वहां पे, बेवकूफी बना रखा है आपने 25 करोड़ लोगों को, उनको इंसान बनाने की कोशिश करो यार, वरना सर बिल्कुल। लेकिन सर इमरान खान एक बार फिर वो कर गए, उन्होंने कहा जो पेपर मैंने हिलाया था वो साइफर नहीं था, और उसके ऊपर एक तमाशा लगा हुआ है पाकिस्तान, मजाक है ना ये मेरे ख्याल में तो एंटरटेनमेंट है, यही एक वाहिद एंटरटेनमेंट है पाकिस्तान में, बाकी तो सारा डिप्रेशन है, क्योंकि बिजली के रेट भी बढ़ते जा रहे हैं, और चावल और गंदम के रेट भी बढ़ेंगे, क्योंकि वो यूक्रेन की जो है ब्लैक सी ग्रेन डील वो भी बंद हो चुकी है, भारत ने राइस एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी है, रेट चावल के भी बढ़ जाएंगे, गंदम के भी बढ़ जाएंगे, बिजली भी महंगी हो रही है, तो एंटरटेन लोग अपने आप को किस तरह करेंगे, इस तरह ही करेंगे। खान साहब जो है वो रोजाना शाम को कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, लौंडे लपाड़े अलग छलांगे लगाते हैं, नून लीग वाले अलग मिठाइयां खाते हैं, लेकिन खान साहब इस वक्त जो है देखा जाए तो बड़े अपसेट थे कि डार साहब का नाम क्यों आ रहा है। लेकिन जो मैं एक जो बड़ा फनी चीज है, राजा रियाज साहब जो कि हमारे अपोजिशन लीडर है, वो भी तो बाबा कौम है, उन्होंने कहा है भाई अगर डार साहब से अच्छा तो मुझे बना दें PM,
मेरे ख्याल में डार साहब से तो राजा रियाज भी अच्छे होंगे, एटलीस्ट वो फैसलाबाद में तो रहते हैं। डार साहब तो लंदन वासी है, वो तो लंदन के शहरी है, लंदन में लंदन के रहने वाले हैं। अब पता नहीं सिटीजनशिप उनकी ब्रिटिश है या पाकिस्तानी, ये तो नहीं पता, पाकिस्तानी होगी, लेकिन उनकी फैमिली सारी सेटल लंदन है, लंदन से आए हैं और कैरी ऑन लगेज के साथ आए हैं। उनके उन्होंने ज्यादा पेंटिंग कपड़े भी नहीं लाए, वो तो वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं फ्यूचर में। ठीक है, पाकिस्तान में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, द लैंड ऑफ चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो चाहे अमेरिका हो, उन्होंने आगे कुछ तो प्लान किया होगा, क्योंकि उनको ये भी पता है कि वही जैसे आप कहते हैं हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी है जिसपे हम रोटियां पकाने वाले, तो एक तरह से वो हम उनके लिए मसला तो बने हुए ना, देखना तो पड़ जाता है उनको हमें। देखें पहले मैं बताता हूं, आफ्टर फॉल ऑफ काबुल अब आप इतने रेलिवेंट नहीं रहे, एक तो ये बात। दूसरा, इस वक्त वो देखते हैं आपको दो लेंस से, एक तो भारतीय लेंस से देखते हैं क्योंकि अमेरिका के अंदर भारत का इन्फ्लुएंस है, वो कोई भी ऐसा काम आपके साथ नहीं करना चाहेंगे जिसमें भारत जो है वो नाराज हो। आपकी रेलिवेंस सिर्फ और सिर्फ इस वक्त दो चीजों की वजह से है, भारत की वजह से और चाइना की वजह से, और उसके अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं है इस वक्त किसी वेस्टर्न कंट्री का। ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज इस वक्त एंगेज्ड हैं यूक्रेन के अंदर, ज्यादातर वेस्टर्न कंट्री इस वक्त। आज की मैं दो तीन खबरें आपको जो मजीद बताना चाहूंगा वो ये थी कि एक तो आपके ताइवान ने आज अपनी एक एक्सरसाइज की है वहां पे, अब इसके यूक्रेन के बाद अगला जो हो अगला युद्ध सजेगा जाके वहां पे, और दुनिया उसी की तैयारी कर रही है। इंडो पैसिफिक पे तवज्जो है, टोनी बिल्किन साहब जो है वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड उस साइड पे गए हैं, पैसिफिक के किसी कंट्री में रुके हैं। उसके बाद नए चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो टर्की चले गए हैं, और ये दुनिया जो है दोबारा, लेकिन पाकिस्तान उसमें किसी में रेलिवेंट नजर नहीं। टोनी बिल्किन साहब ने एक टेलीफोनिक कॉल की है बिलावल भुट्टो से, लेकिन ये आप क्या क्या सोचते हो, उसमें उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में बात की, तो आपके क्या क्या ख्याल है, आपके क्या बातें हो, कोई बात करने के लिए किसी पाकिस्तानी लीडर के पास कोई मटेरियल मौजूद है? बायलैटरल जो चीजें होती हैं उसमें पाकिस्तान क्या ऑफर कर सकता है किसी को? अगर मैं पाकिस्तानी तरफ से किसी से बात करूं तो मैं सोचता हूँ क्या बात की जाएगी, कि पैसे दे दें, हम मर गए हैं, भूखे हैं यार, हम गरीब लोग हैं, यही करते होंगे, और क्या बात करनी होगी। आर्मी चीफ सर, आर्मी चीफ तो कहते हैं हमें तरक्की से कोई रोक नहीं सकता, तो किस बात की तरक्की कर रहे हैं? या तो फिर कन्विंसिंग साथ आर्गुमेंट भी दे ना, कि किस तरह रोक, आपको कौन रोक रहा है भाई, 76 साल से आपको किसी ने रोका कि तरक्की करने से? आप अपने आप को खुद ही रोकते हैं तरक्की करने से। पाकिस्तान का जो पाकिस्तान का मसला है पाकिस्तानी है, दूसरा नहीं है कोई। ये जो हर हादसे के बाद आप कह देते हैं रा ने किया है, मुसाद ने किया है, CIA ने किया है, ये तो सिर्फ एक अखबारों के लिए होता है ना, वरना तो पाकिस्तान के साथ हम खुद ही सिंसियर नहीं है। पाकिस्तान को पहले पाकिस्तान तो बना के दें इनको, 1947 में तो आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं, आपने बस एक, एक, एक ड्रामा सा रचाया, लूटमार बल्कि उसमें भी की, 47 में ज्यादातर लूटमार हुई है, लोगों के जेवरात पैसा छीना गया, मारे गए लोग वैसे नफरतों में, और लूटमार लोगों ने अपनी भूख खत्म करने की कोशिश की है 1947 में भी ज्यादती। मैं हमेशा ये क्वेश्चन करता था अपने वालिद साहब से, अपने ग्रैंडफादर से, कि क्या हुआ था 1947। उन्होंने मुझे यही जवाब दिया, उन्होंने कहा जो गरीब लोग थे उन्होंने अमीरों को लूटने की कोशिश की है, और तो कुछ भी नहीं था इसमें। देखिए पढ़ा लिखा कोई शरीफ आदमी तो नहीं मारता ना किसी की, किसी की इज्जत लूटता है कोई शरीफ आदमी? ये तो गरीब लोग कपड़े फाड़ते रहे दूसरे के साथ, मेरा जो गरीब लोग या अनप्रिविलेज जो लोगों ने गुर्बत से तंग आके, और वही आज भी हालात चल रहे हैं, आप देख लें कि लोग सुइसाइड कर रहे हैं भूख से तंग आके। अगले दिन भी खबर थी किसी बंदे ने जहर दिया बच्चों को और फिर खुद उसने सुइसाइड की खुद। लेकिन ये कि इन सर्कमस्टांसेस में देखा जाए तो कुछ आपको इन सारे हालात में से कौन निकालेगा? कोई है ऐसा, आपके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है, ऐसी कोई पर्सनैलिटी आपको नजर आ रही है जो निकाले इन सारे सर्कमस्टांसेस से? जो आर्मी चीफ साहब कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आएगा, उसके पीछे भी सऊदी अरेबिया और चाइना का पैसा लगेगा, और वो भी कह रहे हैं कि अभी एक साल के बाद उसका रिजल्ट नजर आना शुरू हो गया। देखें
एक साल तक क्या होता है, साल पाकिस्तान में तो मैंने बताया एक साल बहुत लंबा पीरियड होता है, वहां तो दिनों में बिलियन डॉलर इधर से उधर हो जाते हैं, दिनों में, घंटों में। आज एक और नई खबर आई है कि सुना है कि आप उन्होंने आपके जो मनी चेंजर हैं उनको परमिशन दे दी है बाहर से कैश इंपोर्ट करने के लिए, क्योंकि लोकल डॉलर मिल नहीं रहा, और वो लेकर आएंगे और आपके अफगानी भाई वो भी उठा के वहां ले जाएंगे आपकी एजेंसियों के, आप सब लोगों की मर्जी से, आप उनसे फिर पैसे बनाएंगे, आप फिर भूखे के भूखे रह जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में हर चीज जो होती है गवर्नमेंट की मर्जी से होती है, करप्शन वैसे नहीं होती, आपकी एजेंसियों की, आपकी हुकूमत की, आपकी अदालतों की, आपके अफसरान की, आपके सियासतदानों की मर्जी से होती, और जो पाकिस्तान तबाह हो रहा है इन सब की मर्जी से हो रहा है, ये कोई ऐसे नहीं है कि एक बंदे का एजेंडा है, ये सब लोगों का एजेंडा है आपका, कि आओ भी मिलके खाएं तो फिर टोरंटो में घर बनाए आपके। इस वक्त ज्यादातर जो करप्ट लोग अफसर मैंने देखा है कि लंदन से ज्यादा टोरंटो को प्रेफर कर रहे हैं, मैं पिछली दफा जो आज से कोई एक महीना पहले डेट जाने का इत्तेफाक हुआ टोरंटो में, तो मैंने वहां पे कई करप्ट अफसरान को देखा है जो दंदराते फिर रहे थे और मिलियंस के घरों के सौदे कर रहे थे, अफसोस के साथ, अफसोस के साथ। लेकिन सर अब पब्लिक को तो कम से कम अकल आ गई है, लेकिन ये जो आपने पहले 1947 की बात की, तो ये भी टू नेशन थ्योरी की बात करके और वही चूरन खिला के पाकिस्तान तो बना लिया, लेकिन आपके ख्याल से संभाल क्यों नहीं सके, क्योंकि कोई चीज भी बनाना शायद इतना मुश्किल नहीं होता जितना उसको चलाना मुश्किल होता है, तो ये इतने 76 ईयर्स में पाकिस्तान एक तरह से बिल्कुल खत्म होने के कगार पे आ गया, कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी एस्टेब्लिशमेंट ऐसी नहीं आई जो इसको किसी वक्त संभाल सकती, वो जो फ्री के पैसे आ रहे थे अफगानिस्तान वाले उसको तो खैर काउंट कर ही नहीं रही मैं, लेकिन ये कि इन्होंने क्या वजह हुई कि ये बना तो लिया पाकिस्तान लेकिन चला नहीं सके, करप्शन शुरू से ही थी। जब मैं शुरू से करप्शन की बात करता हूँ, मैंने बल्कि इस पे एक, जब मैंने पहले भी एक दिन जिक्र किया था कि अगर आप देखें तो 1948 में अमेरिका में हमारा एक डेलीगेशन आया था, वो भी पैसे मांगने आया था, और उन्होंने आके यहाँ पे उस वक्त भी इस्लाम बेचा, उन्होंने कहा जी रशिया सोशलिस्ट है और अगर आपने हमें पैसे ना दिए तो सोशलिज्म आएगा पाकिस्तान वाली तरफ, और इस्लाम जो है वो सोशलिज्म के साथ अलाइंड नहीं, इस्लाम जमहूरियत के साथ अलाइंड है, पैसे दे ताकि हम जाके सोशलिज्म के खिलाफ लड़ें, ये 1948 में इसकी शुरुआत कर दी थी उन्होंने पैसे मांगने, तो फाउंडेशन में ही कर्जा है और कर्जे हैं पैसे हैं, और जाती दफा इन्होंने अमेरिकनों ने कहा हमारे पास पैसे नहीं है, तो इन्होंने कहा यार महाजरीन बहुत आ गए हमारे पास, उनके लिए ना कंबल है ना चादरें हैं, तो यहाँ ने अमेरिका ने कंबल और खेमे दिए थे आप वही लेके चले गए, और मेरा मकसद ये तो आपके बुनियाद चीज, कभी आपने देखा कि पहले 10 साल के अंदर 7 वज़ीर-ए-आज़म चेंज हुए जिस मुल्क के, 7 वज़ीर-ए-आज़म, और उसके बाद अयूब खान साहब को देखें, उनकी करप्शन की स्टोरियां अभी तक किताबों में लिखी हैं, उन्होंने उनके दामाद और उनका दामाद उनके उनका लड़का गोहर अयूब और उसका सुसर जो था वो, और किस तरीके से उन्होंने फिर पूरे का पूरा एक अदारा प्लाटों में लगा दिया प्रिविलेजेस, फिर ऐसी डिफेंस के पीछे आप चले के बाद तो बस अब आप मेरे पता नहीं कोई रेवोल्यूशन तो नहीं है, मैं कभी मैं खैर आपके जब सारी हिस्ट्री पढ़ता हूँ तो शर्मिंदा होके डीएनए पे आके अपने आप को ब्लेम करता हूँ, शायद डीएनए ऐसा है या कि, लेकिन फिर डीएनए पे फिर मेरी डबल ओपिनियन है कि एग्जैक्टली बॉर्डर से तरफ वही डीएनए है लेकिन वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वो वहां अजय बाबा बन रहा है, वहां यहाँ आ रहे हैं तो वहां हर दूसरी कंपनी का सीईओ वो है, डीएनए तो उनका भी वही है, सोचे उनकी भी वही है, लिबास भी वही है, खाना भी वही है, लेकिन पता नहीं मैं जितनी मेरी तालीम है हिस्ट्री की पॉलिटिकल साइंस की जब अपने मुल्क पाकिस्तान पे लगाता हूँ तो फेल हो जाती है, रुक जाती है अच्छी जाके, पता नहीं क्या बात है। अब मैं सोच रहा हूँ आजकल मैं लोगों से वैसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट आर द फंडामेंटल इश्यूज, बिल्कुल एग्जैक्टली बॉर्डर से इस साइड पे इंसान बिल्कुल डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं और बॉर्डर के बिल्कुल दूसरी साइड पे लोग जो है बुलंदियों की तरफ है, हम बस्तियों की तरफ है, ये क्या वजह क्या है, ईस्ट वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी था वेस्ट जर्मनी था, वो भी जर्मन थे, वो मर्ज हुए हैं, वो मैं देखे वो उनका पहले उनके भी डिफरेंसेस थे, और इस तरह की कई चीजें मैं देखता हूं, लेकिन यहां पे आके बिल्कुल हर चीज फेल हो जाती, क्या वजह, व्हाट आर द फंडामेंटल रीजंस कि बॉर्डर की इस साइड पे बिल्कुल डिप्रेशन, बॉर्डर की दूसरी साइड में बिल्कुल दूसरा, हाँ उनके पंजाब में, लेकिन एक बात है उनके पंजाब में भी हमारे जैसे मसाइल हैं लेकिन इतने बुरे नहीं, इतने बुरे
लेकिन सर हैप्पी इंडेक्स में हम भारत से ऊपर हैं, ये भी मानना पड़ेगा कि हम पता नहीं किस बात पे खुश रहते हैं। मुझे याद है एक शो मैंने किया था, उसमें इंडियन और पाकिस्तानी दोनों पैनलिस्ट थे, तो पाकिस्तानी पैनलिस्ट जो थे उन्होंने बड़ी शिकायती अंदाज में इंडियन पैनलिस्ट से कहा कि भाई आपके यहाँ से तो सिर्फ मोदी जी और वाजपेयी जी आए थे हमारे यहाँ इतने सालों में, हमारे यहाँ से तो आपके यहाँ 7 प्राइम मिनिस्टर गए। उन्होंने कहा इसलिए कि हमारे तो आए ही 2 प्राइम मिनिस्टर थे, आपके 7 प्राइम मिनिस्टर आए थे तो हम क्या करें। तो सर हमारे इतने प्राइम मिनिस्टर क्यों बदलते रहते हैं हमारे हर पास 3 साल अभी बाद। शौक है ना, असल में हम पार्टी वाले लोग हैं इसलिए तो खुश हैं हम। हमारे इलेक्शन भी पार्टी है, इलेक्शन फेयर नहीं कराते सिर्फ पार्टी के खाबे छाबे, जिस तरह वो दूध कहते हैं ना बिरयानी के पैकेट पे जो वोट देते हैं, ये हमारे लिए तो पार्टी है। इलेक्शन में होता है ना पार्टी करना, खाना पीना। अब लाहौर में चले जाए लोगों को खाने पीने के अलावा दूसरा काम ही कोई नहीं। अब आप यही देख लीजिए सर, हमारे यहाँ से जो इंडिया में खातून गई है 4 बच्चों के साथ, उनके पीछे सारा इंडियन मीडिया पड़ा हुआ है, टेंशन दी हुई है। हमारी तरफ जो आई है इंडिया से, हम ड्रोन कैमरा से उनकी वीडियो बना रहे, गाने चला रहे, वो लग रहा है कोई बॉलीवुड की फिल्म चल रही है। तो ये भी आप देखें कितना फर्क है। अंजू देखिए कंपैरिजन हो रहा है अंजू का, कि आपने बताया वो तो जिस तरह मूवी बनी है उनकी, तो वो जी तो एक पुल के ऊपर खड़ी है, गाने गा रही है, डांस कर रही है, क्या क्या बता रहे हैं। और फिर उसके बाद स्टेटमेंट, कोई कह रहे हैं शादी कर ली है, उन्होंने कहा नहीं की है। इस वक्त जो जो दोनों मुल्कों के दरमियान, मेरे ख्याल में तो ये, मुझे तो ये बॉलीवुड की कोई अपनी स्कीम नजर आ रही है कि यहां से उधर उधर से, ये देख लीजिएगा साल के अंदर अंदर इन पे इनके ऊपर मूवी बन जाएगी। लेकिन ये कि हमारे लोग